सो गाइज वेलकम टू द टीआरपीजी एमआर गेमिंग। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि मेरा टेक चैनल पे एज वेल गेमिंग बोल ही सकते हैं आप लोग। तो पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि मेन जो डिस्कशन है, मेन जो ओवरव्यू है वो थोड़ा बाद में है। आप लोग अगर फॉर्मेट और डिटेलिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सेक्शन को देखिए, वरना थोड़ा स्किप करके पीछे चले जाए। और मैं पहले सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें साउंड क्वालिटी का थोड़ा इशू है, क्योंकि इसमें अभी बैलेंस्ड नहीं है। अभी ये विंडोज़ 11 थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा थोड़ा जगह प्रॉब्लम है, तो उसका वजह से जो एक्चुअल ये जो मेरा बूम माइक है उसका जो ऑडियो होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं आया। तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोग चाहें तो मैं बाद में और एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ एंजॉय करिए। और जिन जिन को मेन सब्जेक्ट पे जाना है तो प्लीज़ थोड़ा स्किप कर लीजिए। सो गाइज ये है हम लोगों का मेन होम स्क्रीन, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा 3D विजुअल्स। और अगर बात करें तो ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका सबसे अच्छा इसका स्टार्ट मेन्यू और इसका स्टार्ट मेन्यू टास्कबार का सेटअप। इसके अंदर दो तरीके का टास्कबार दिया गया है, एक है कि मिडिल पोजिशन जो कि डिफ़ॉल्ट पे ही आता है, और अगर आप लोग चाहो तो इसको लेफ्ट पे भी कर सकते हो जैसे कि हम लोगों का पुराना विंडोज़ पे दिखा गया था। और इसका और एक टास्क बार में एडिटिंग कर दिया गया है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, जो हम लोग ने पहले देखे थे विंडोज 7 पे और विंडोज विस्ता से, जिसका जेनर हम लोग बोल सकते हैं विंडोज विस्ता। तो इसके अलावा और एक चीज देखने को हम लोग को मिल रहा है कि क्योंकि है राइट साइड कॉर्नर पे टाइम का और डेट का जगह, उसमें चेंज करके डेट तो दिखाई रहा है, टाइम भी दिखा रहा है, और डे जो पहले मेंशन नहीं हुआ करता था उसका भी एक अपडेट आया है। तो ओवरऑल की बात करें तो ये बहुत स्पीड है इसके अंदर और ये बहुत तरीके से फिक्स्ड है। हम लोग एक्सप्लोरर में अगर देखें तो देख रहे हैं कि बहुत ही अपडेट कर दिया गया, जो कि इसका आइकन्स है। पहले जो आइकन हुआ करता था वो बेसिकली आइकन हुआ करता था, पर अभी ये RGB वाला कंसेप्ट दे दिया गया है, जो कि बोल सकते हैं बिल्कुल पूरा मैक की तरह। और मैं तो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ और पर्सनल व्यू शेयर करूँ तो मुझे लगता है ये पूरा मैक को कॉपी करके बनाया गया है। थोड़ा सा तो हेर फेर है, पर इसका अगर राइट क्लिक हम लोग करें और अगर हम लोग इसका टर्मिनल पे जाए तो ये पूरा मैक की तरह बना दिया गया है। इसके अंदर ग्लीचेस है, बहुत सारे बग्स है, पर स्टेबल है, एक्चुअल में स्टेबल है। विंडोज 10 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। और विंडोज कंट्रोल पैनल पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे कि ऐड और रिमूव प्रोग्राम को हटा दिया गया है, जो कि पहले यहाँ पे ऐड और रिमूव प्रोग्राम हुआ करता था उसको फिलहाल हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे को स्पीड लगा, बहुत ही अच्छा लगा इसको यूज़ करने में। मुझे ज़्यादातर लैग या ग्लीचेस फिक्स लगा नहीं मेरे को, जैसे कि पहले बार हम लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते थे, इंस्टॉल करते थे, थोड़ा लैग होता था, अटक अटक जाता था, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अगर किसी को अनइंस्टॉल करना चाहे तो भाई हम लोगों को पहले एक्सप्लोरर पे आना है, उसके बाद अनइंस्टॉल पे, और आके हम लोग जो मर्ज़ी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि डिफ़ॉल्टली जो जो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किया है, विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों को साथ में दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा फीचर है मैं बोल सकता हूँ कि। इसके अलावा और एक लैग आया है इसमें, जैसे कि मान लो आप किसी को इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर तो वो प्रॉपर से रन नहीं करता। क्या रन नहीं करता, उसके लिए पहले आपको चाहिए उसका प्रॉपरली अपडेट। अगर आपके ऐप अपडेटेड नहीं होगा तो इसमें रन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और बात करें टास्कबार की तो देख ही सकते हो कैसा लग रहा है टास्कबार। तो ये बेसिकली मुझे जितना लगता है कि टास्कबार को पूरा फ्लिप कर दिया गया है। विंडोज 10 में कैसा हुआ करता था कि अगर आप मान लो कि मेन टास्कबार पे जाते हो, स्टार्ट मेनू पे जाते हो, तो स्टार्ट मेनू खोलते ही आपको पहले दो चीज़ देखने को मिलता था, एक था ऐप लिस्ट और एक था पिंड आइकन। फिर अभी इसको फ्लिप कर दिया गया है, कैसा कर दिया कि पहले आपको दिखाएगा पूरा स्टार्ट मेनू, उसके बाद आएगा आपका ऐप्स, और यहाँ पे आप लोग ऐड और रिमूव तो कर ही सकते हो, ये तो डिफ़ॉल्ट है। इसके ऊपर कुछ नया तरीके से बात करने लायक कुछ नहीं है। तो जो चीज़ बात करना है
वो है कि इसमें अगर मान लो कि मैनुअल से इंस्टॉल करते हो तो इसमें अपडेट तो नॉर्मल आएगा, जो आएगा ऑफिशियल अपडेट स्टार्ट हो गया है, पर गेम के बारे में थोड़ा लैगी फील होगा पहले पहले तो। जैसे कि मैंने काउंटर स्ट्राइक ट्राई किया, पबजी ट्राई किया, तो मुझे लैग फील हुआ, मुझे एक्यूरेसी का थोड़ा इश्यूज लगा। ये जो एरर है ये सही हो जाएगा कुछ दिन में, इसका कोई इश्यूज नहीं है। और मान लो कि आप स्ट्रीम करते हो या रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे कि मैं पहले रिकॉर्ड किया था इस वीडियो को OBS स्टूडियो में, तो उसमें मेरे को ऑडियो का बग आया, और ऑडियो का बहुत बड़ा बड़ा बग है इसके अंदर। पर एज ओवरऑल अगर नॉर्मल यूजर्स की बात करें तो नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक है, पर हेवी यूज़र के लिए अभी जो PC का वर्शन है उसमें थोड़ा सा काम करना बाकी है, क्योंकि अपडेट अभी नहीं मिलेगा, लगभग नेक्स्ट महीने तक अपडेट मिल जाएगा। और ये मेरे को जिस दिन रिलीज़ हुआ उस दिन रात को ही मिल गया था, पर काम की वजह से नहीं हुआ। उसका नेक्स्ट दिन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, इसे इंस्टॉल भी किया, रिकॉर्ड भी किया, अपडेट भी किया, सब कुछ उसी दिन हुआ। और आज सैटरडे को ये फाइनल टच हो रहा है, क्योंकि जो कल ही अपलोड होना था फ्राइडे को ही ये वीडियो अपलोड होना था, पर ये जो बग है, इसके एरर है, इसके लिए हम लोग कर नहीं पाए, तो इसको सैटरडे में फिर से रिकॉर्ड करके एडिशनल करके हम लोग अपलोड करेंगे आज। तो चले जाते हैं टास्क मेनू में। इसके अंदर जो जो चीज़ आया है, तो टास्क मेनू में एक टास्क वेट्स बोल के चीज़ आया है, जिसके अंदर आप क्या क्या कर रहे हो। जैसे कि हम लोगों को पहले अल्टर टैप मार के करना पड़ता था, अभी स्विचिंग करने का ज़रूरत नहीं है, वो नीचे खुद ब खुद आ गया है। सर्च मेनू आ गया, और जो सबसे बड़ा चीज़ आया है इसके अंदर, एडिशनल डेस्कटॉप। मतलब एडिशनल डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे कि पहले हम लोग मैक्सिमाइज़ करते थे तो मैक्सिमाइज़ करने पर मैक्सिमाइज़ हो जाता था, पर अभी हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि चार टैब खोलना है, तो चार टैब को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। चार को नॉर्मली मारते तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली होता था, पर अभी नहीं आएगा। अभी इसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज जितना हम लोगों को साइज की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आया है रिवॉर्ड। अगर आप लोग लॉगिंग करोगे और जो जो क्राइटेरिया आप लोग करते जाओगे, लाइक गेम का मिशन की तरह कर दिया गया है कुछ कुछ, कि आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ये रिवॉर्ड पॉइंट में क्या होता है, क्या काम होता है, ये मेरे को प्रॉपरली नहीं पता, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। और एक ऑप्शन आया है HDR, जो HDR का ऑप्शन हम लोगों को पहले देखने को नहीं मिलता था। अगर मान लो आपके पास 4K या 2K का मॉनिटर है तो आप लोग HDR को आराम से यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास नहीं है तो फिलहाल मैं तो नहीं कर सकता। और उसके बाद और एक ऑप्शन आया है कि डॉल्बी का पहले विंडोज़ 10 में हम लोगों को मैनुअली यूज़ करना पड़ता था, जो डिफ़ॉल्ट में आता था वो नहीं होता था, पर अभी वो होगा। अगर मान लो आपके पास डॉल्बी है, आपका सिस्टम सपोर्ट करते ही आपके पास कुछ स्पीकर है, तो ऑटोमेटिकली ये डॉल्बी को सिंक्रोनाइज कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा। और मुझे मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो ये बहुत ही स्टेबल है, मैं जितना देर यूज़ कर रहा हूँ इसे तो बहुत ही स्टेबल है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है, ज़्यादातर एरर नहीं है, थोड़ा सा कुछ एरर है, वो तो अपडेट आएगा नेक्स्ट वीक को बोल दिया विंडोज़ वालों ने। और सबसे बड़ा बात, ये अभी तक वेस्ट बंगाल में किसी के पास नहीं आया है, कुछ कुछ लैपटॉप में आया है, जो हाईली कन्फिगर्ड लैपटॉप है लैपटॉप पर ही आया है, और PC पे किसी के पास अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग के पास आ चुका है। और हम लोग इसका रिव्यू बना रहे हैं, और ये अपलोड होगा आज ही, मतलब सैटरडे को, जो फाइनल एडिट हो रहा है, मैं पहले ही बोला सैटरडे को शाम तक ये वीडियो आ जाएगा। पर इसको इंस्टॉल करने में अगर कोई भी मान लो कि डेस्कटॉप यूज़र चाहते हो इसे यूज़ करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो और एक बग हम लोग ये भी देख सकते हैं, देख रहे हो कि माइक जो मेरा रिकॉर्ड हो रहा था पहले, तो उस न्यूज़ में कैसे एरर आ रहा था, तो ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं था। पर अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल अपडेट मेरा थोड़ा आया है तो उसके बाद मेरे को उतना प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। तो ये कुछ बग्स है इसके अंदर। तो अभी चले जाते हैं इसका यूजेस पे, कि यूजेस कैसा होता है। तो मैंने देखा कि जब मैं नॉर्मल सा काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा नॉर्मल यूजर्स जो काम करते हैं, ब्राउजिंग करना, एडिट करना इन द सेंस फोटो एडिट, ऑफिशियल काम, तो मेरे को CPU यूजेस बहुत ही कम हो गया, अगर मैं कंपेयर करूँ विंडोज 10 के CPU यूजेस से। पर इसमें अगर आप लोग गेम खेल रहे हो या स्ट्रीम कर रहे हो, तो इस पर एक बग है, जो CPU का अपडेट आना भी बाकी है, तो कि वो पूरा 100 तक उठ जाता है, मतलब पूरा 100 आउट ऑफ 100 ही करता है। तो ये थोड़ा बग को सही करना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सही हो जाएगा, आ जाएगा नेक्स्ट अपडेट पे। और भी एक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट कर सकते हो आप लोग
बैकग्राउंड ऐप को ऑन ऑफ कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे, पर इसके बैकग्राउंड ऐप का एक और ही चीज़ नया अपडेट आया है कि मान लो कि टोटल तो ऑफ आप लोगों ने कर दिया, फिर भी कुछ ऐप रह जाएगा, उसको आपको टास्क मैनेजर से ऑफ करना है, जो कि पहले मान लो पूरा टास्क मैनेजर से इन टास्क करना पड़ता था, अभी वो थोड़ा सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि सीपीयू का हीट बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो गया है। विंडोज 10 में हीट मान लो मेरा 50 के अराउंड उठ जाता था, जब मैं मतलब स्ट्रीम करता था, गेम खेलता था, तो मेरे को 50 के आसपास के ऊपर हीट चला जाता था, पर इसमें 38 to 40 में रह जाता है। और सबसे मज़ेदार जो मुझे लगा तो है कि जीपीयू का अपडेट, मतलब जीपीयू का उन लोगों ने इतना अच्छा जीपीयू के ऊपर काम किया है, जैसे कि जीपीयू का यूजेस और हीट बहुत ही कम कर दिया उन लोगों ने। जीपीयू यूज ऑब्वियसली हो रहा है, पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना विंडोज 10 पे था। मान लो कि विंडोज 10 पे मेरा 50 तक हीट चला जाता था, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो, कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे 50 तक वो अपडेट सॉरी हीट चला जाता था, पर अभी वैसा नहीं है। अभी 40-48 तक अगर मैं हेवी काम कर रहा हूँ, मान लो एडिट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऑफिशियल कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग 48 तक हीट रिड्यूस मिल रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस तक मुझे मिल रहा है। और जीपीयू का सबसे अच्छा जो इस्तेमाल मुझे लगा एनवीडिया की तरफ से और विंडोज़, मतलब एनवीडिया के ऊपर मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि विंडोज़ ने एनवीडिया को कुछ प्रायोरिटीज़ दिया है कि नहीं दिया है, पर एनवीडिया का जो जीपीयू है अगर आप यूज़ कर रहे हो आपके पीसी के साथ तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, यूजेस भी कम है और आउटपुट बहुत ज़्यादा है। पर मुझे जो एरर लगा इसमें कि अगर आप लोग गेम खेल रहे हो जो कि गेमर्स है, तो उसमें जीपीयू का थोड़ा सा इधर उधर एफपीएस हो रहा है। एफपीएस ऑब्वियसली स्टेबल है, मान लो जैसे कि मुझे काउंटर स्ट्राइक में पहले 150 से 200 के आसपास एफपीएस मिलता था, तो अभी मुझे 205 या 10 तक 5-10 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। पर कभी कभी बीच बीच में क्या हो रहा है कि कट हो रहा है, मतलब फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप, मान लो कि 50 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपडेट आ जाएगा तो सही हो जाएगा, मैंने बाहर में देखा है, तो बाहर में ऐसा जो अपडेट्स है जैसे कि लिनियस का मैंने देखा था, लाइनस का, तो उसमें उन लोगों का फिक्स्ड है, पर हम लोगों के यहाँ पे शायद थोड़ा देरी होगा आने में, तो आ जाएगा। कि जैसे कि विंडोज़ वालों ने बोला है 2022 तक ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा, तो अभी तो यार बीटा पे है, काम चल रहा है, अभी बहुत सारे बग्स है, इसको सही करना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लैपटॉप के लिए जो एक बात मैं बोलूँगा कि लैपटॉप यूज़र्स जो है उन लोगों को जो अपडेट मिल रहा है, जो कि मान लो कि एचपी का मेरे को ज़्यादा मतलब न्यूज़ मिला है, मेरे को जितने भी मेरे यूज़र्स हैं, तो एचपी का जिन जिन के पास लैपटॉप है उन लोगों को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपडेट आ रहा है और बहुत ही स्टेबल चल रहा है, तो लैपटॉप के लिए स्टेबल है। पर पीसी के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यार लैपटॉप में चल रहा है, पीसी पे क्यों नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका काम करने का स्टाइल, काम करने का स्पीड, और लैपटॉप का हम लोग जानते हैं कि पीसी के मामले में, पीसी के अगर कंपेयर करें लैपटॉप को, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन होता है। मतलब पीसी अगर 10 पे चल रहा है तो लैपटॉप वहाँ पे 6 या 7 पे चलेगा, इतना तक डिफरेंस होता है कि। और अभी भाई नॉर्मल सी बात है, कोई तो यहाँ पे एलियन वायर यूज़ नहीं करने वाला या मैकबुक नहीं यूज़ करने वाला कि एवरेज इक्वल परफॉर्मेंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग मान लो कि एलियन वायर यूज़ कर रहे हो तो मिलेगा आपको, तब तो यार कुछ नहीं बोल सकते, तब कंपेयर कम आता है, तब तो यहाँ पे कोई एलियन वायर नहीं यूज़ कर रहा है, मतलब क्या बोले, 8-9 लाख का लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पीसी से कंपेयर तब हो सकता है, अगर नॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो नहीं हो सकता। और जो मेमोरी यूजेस मुझे लगा है कि मेमोरी यूजेस में थोड़ा सा उन लोगों ने हेवी रखा है। कैसा हेवी रखा है कि मान लो कि मेरा पहले रहता था कि 2%, 5%, 6%, पर अभी ये एक स्टेबल कर दिया है कि 4 GB, 3 GB या 4 GB आपका स्टेबल होगा। आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें से वो स्टार्टअप लेगा। तो इसके थ्रू मुझे क्या लगा जब मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे पहले विंडोज 10 में क्या होता था कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे को दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक बग है, इसके साथ ये एडवांटेज भी है। मान लो ये मैंने Audacity इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे दिखता था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, पर यहाँ पे आप लोग अगर सेटअप कर देते हो तो एक सेकेंड के लिए, लेस देन वन सेकेंड के लिए स्क्रीन रुक जाएगा, और जब आएगा उसका 99% इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा चीज़ लगा। ये तो बग थोड़ा फिक्स हो जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि कोई इश्यूज नहीं है। आप चले जाते हैं भाई डिक्स पे। अगर डिस्क का यूज़ देख रहे हो तो भाई डिस्क का यूज़ बहुत ही कम हो गया। मेरे SSD तो जीरो पे चल रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों, क्योंकि मेरा SSD पे OS है तो SSD पूरा का पूरा जीरो चल रहा है। और मेरा जो सेकेंडरी हार्ड ड्राइव है उसके अंदर मेरा गेम्स है, OBS है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सारे सब कुछ डेटा मेरा हार्ड डिस्क पर रखा हुआ है। तब भी उसका यूजेस लेस देन 30%, 25% लेस देन 10-20% तक वो यूज़ हो रहा है, कभी कभी 8 पे भी चले जा रहा है। तो ये जो ऑप्टिमाइज़ है बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि OS बहुत ही फास्ट है। मतलब क्या ही बोलूँ कि OS बहुत ही फास्ट है, इसके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं करना होता है कि मतलब इतना ज़्यादा फास्ट है OS। अगर मैं पहली बार जब इंस्टॉल हो रहा था ये, तब भी से मेरे को कुछ डाउट लगा कि यार इतना फास्ट क्यों चल रहा है मेरा माउस, क्योंकि मेरा गेमिंग पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप है, गेमिंग माउस है, एडिटेबल माउस है, तो बहुत ही अच्छा बना है OS। ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा बना है, तो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बना कि सच में विंडोज़ 11 अगर 3-4 महीने में एक अपडेट दे देता है कोई वर्शन का, तो विंडोज़ 11 इज़ द बेस्ट। मतलब कुछ भी बात नहीं करना है, जैसे कि लुक्स के बारे में बात हो गया, परफॉर्मेंस के बारे में बात हो गया, यूजेस के बारे में बात हो गया, हीटिंग के बारे में बात हो गया, थोड़ा सा बग है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बग पहला रहेगा, 1-2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। तो अभी चले जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा है इसका, विंडोज 11 का लूज से सब कुछ, पर इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो है TPM एरर। TPM एरर क्या है क्या नहीं है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, उसके ऊपर और एक नया वीडियो आने वाला है। तो ये TPM एरर की वजह से 90%, मुझे पता है कि 9 out of 100 98% लोगों को पता नहीं है TPM क्या चीज़ होता है और TPM काम कैसे करते हैं। तो ये मैं मतलब बेटकिंग के साथ बोल सकता हूँ कि 98% यूज़र्स को पता ही नहीं है कि TPM होता क्या है, और 92% इंजीनियर्स को भी नहीं पता कि TPM होता क्या है, TPM एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक एरर है कि TPM, तो TPM के थ्रू आप लोग ये सॉफ्टवेयर को, इस OS को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपका PC TPM इनेबल्ड है तभी ये होगा, और लैपटॉप के लिए TPM का कोई सेशनल नहीं आया अभी तक, लैपटॉप में डिफॉल्टली हो रहा है, पर PC पे करना है तो TPM का सलूशन आपको करना ही होगा। TPM का सलूशन कैसे करते हैं, क्या है, किससे काम करता है, कैसे कैसे कौन से मदरबोर्ड पे ये इनेबल्ड है, ये सब के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मिडिल तक आ जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे तक आ जाएगा। अगर आप लोग पहले चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे मेरे को बोल देना कि पहले चाहिए, और भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना। और अभी बारी आते है कि ये OS कहाँ से मिलेगा। ये OS मिलेगा मेरी तरफ से, फिलहाल तो मेरे पास ही जैसे कि है तो मैं ही दे सकता हूँ, तो मैं इसको अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा और सबके लिए अवेलेबल कर दूंगा। कोई भी पेमेंट कुछ भी ज़रूरत, मतलब कुछ भी पेड है नहीं, किसी को कुछ एड्स भी नहीं दिखने को मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्लिक करो डाउनलोड कर लो। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, जो जो देख रहे हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना ऐसे कि नया नया वीडियोस के लिए। तो इससे ज़्यादा और कुछ मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बना है ओवरऑल। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग ट्राई करो, डाउनलोड करो। और TPM का एरर आया तो मुझे को कमेंट पे आओ बोल दो। अगर आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन चाहिए तो मुझे डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज कर दो, मैं डिस्कॉर्ड पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, तो डिस्कॉर्ड पे मैं बोल दूँगा कि कैसे इसको TPM को सोल्यूशन करते हैं। और अगर आप लोग, और एक बात है, अगर आप लोग मान लो कि VM पे कर रहे, मतलब वर्चुअल मशीन पे इवेंट को इंस्टॉल करके देखना चाहते हो, तो भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि VM का 64-bit पे Windows 10, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, अगर VM पे करना चाहो तो 64-bit Windows 10 चूज़ करो। RAM इसका ग्रेटर देन 10 और HDD ग्रेटर देन 100, ये दोनों चीज़ आप लोगों को करना है। अगर वर्चुअल मशीन पे आप लोग करके देखना चाहते हो कि ये OS क्या है, कैसे काम करते हैं, और इसका
मान लो जो होता है ना कि पहले थोड़ा देख लेते हैं, पहले हम लोग फिजिकल मशीन को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप लोग कर सकते हो। तो बस यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा OS है, बहुत ही स्टेबल OS है, गुड लुकिंग OS है, 3D इफेक्ट देखने को मिल रहा है, विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, साउंड पूरी तरीके से चेंज हो गया। जैसे कि मान लो विंडोज 10 में या विंडोज 7 में अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ करते थे जो जैसे हिटेबल साउंड होता था, अभी वो हिट साउंड नहीं है, बहुत ही प्यारा सा एक साउंड दिया है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा। तो थैंक यू भाई लोग जो जो ज्वाइन किए हो, देख रहे हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड का भी लिंक लिया हुआ है, तो डाउनलोड कर देना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और बोल देना कि क्या एरर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।